होटलिंग टी स्पेयर डिस्ट्रीब्यूशन सो होटलिंग टी स्पेयर को अब हम आज करने लगे एक्सएल पे एक्सएल पे हम होटलिंग टी स्पेयर कैसे डिटर्मिन करते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल वी है ठीक है हमारे पास हंड्रेड रियल और जेनुअन बैंक नोट है एंड हंड्रेड फेक बैंक नोट्स और हंड्रेड हमारे पास फेक नोट्स हैं हंड्रेड जेनवन नोट्स हैं और हंड्रेड हमारे पास फेक नोट है टू ग्रुप्स हो गए ऑन ईच बैंक नोट सिक्स वेरिएबल्स अब हमने उनकी क्या डायमेंशन देखी हमने कैसे देखा कि ये हमारे पास रियल नोट है और ये हमारे पास फेक नोट है उन सिक्स वेरिएबल्स में हमारे पास है उसकी लेंथ राइट विड्थ लेफ्ट विड्थ बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन एंड द डायगोनल उनमें अगर हमारे पास डिफरेंस नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास फेक नोट है और अगर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है दैट इज कॉल्ड द दैन नोट होंगे आर मैर यानी हमारे पास कौन से वेरिएबल हैं जिससे हम डिटर्मिन कर रहे हैं कि दीज आर द रियल बैंक नोट एंड दीज आर द फेक बैंक नोट एंड दिएबल्स आर दी लेथ राइट वेट लेफ्ट वेट बॉटम मार्जिन टॉप मार्जन एंड द करना क्या है हमने टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द फेक बैंक नोट हम अब ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द रियल एंड द फेक बैंक नोट और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द फेक नोट्स टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या है हमने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना है और हाइपोथेसिस हमने चेक कर लिया हाइपोथेसिस जर्नल बनाया ठीक है दिस इज जर्नल हाइपोथेसिस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू यानी कि आपके पास रियल नोट इक्वल्स टू द फेक नोट है अब ये मीन वेक्टर है क्योंकि कितनी डायमेंशन है सिक्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम नोट को चेक कर रहे हैं वर्सेस द दल्टर हाइपोथेसिस रियल इज नॉट इक्वल टू फेक So, we use the level of significance alpha, which is equal to 0.01. Now, the test statistics for the difference between two mean vectors, that is t square, and this is the formula of the t square. Under which H0 has the name t square statistic. Here is the SP. This is the pooled standard deviation, SP, which is equal to this one. सो दिस इज द दल्यूशन ऑफ दी स्टेप हमने थ्री स्टेप्स यहाँ पे रख लिए टेस्ट हमें पता चल गया अब हमने इस ये सारा काम कहाँ पे करना है एक्सेल पे डेटा कहाँ पे है डेटा आपके पास है हंड्रेड रियल नोट का हंड्रेड फेक नोट का अब इसको आपने मल्टीवेरिएट केस कैसे देखा मल्टीवेरिएट केस में आपके पास क्या हो गया कि आपके पास हंड्रेड रियल नोट दिस इज द रियल नोट एंड दिस इज द फेक और हर रियल नोट को हमने किससे चेक किया लेंथ राइट वेट लेफ्ट बॉटम टॉप डायगनल वी के अंडर भी हमारे पास सेम यही वेरिएबल्स हैं। इस सीनारियो को देख के हमें लगा कि हमने यहां पे क्या करना है होटलिंग टी स्क्वायर यूज हो रही है क्योंकि टू ग्रुप्स के अंदर हम मीन वेक्टर्स को डिटरमिन कर रहे हैं तो so, इस सिनेरियो में हमारे पास लग रहा है सो दिस इज द डेटा टाइप हमारे पास क्या है टाइप हमारे पास रियल है कितने नोट्स हैं यू हैव हंड्रेड रियल नोट ठीक है हंड्रेड रियल नोट वन ओ वन ही आएगा ना आपके पास क्योंकि ऊपर वेरिएबल्स के नेम दिए हुए एंड हंड्रेड वी हैव फेक नोट सो so टोटल हमारे पास है 201 201 कैसे क्योंकि 100 रियल 100 फेक और यहाँ पे हमने उसकी टाइप लिखी हुई है कैसे हमने चेक किया लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड डायगोनल दीज आर द सिक्स पैरामीटर्स इन सिक्स वेरिएबल के साथ हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं तो so अब अगर आप टी स्क्वायर में देखो तो टी स्क्वायर में सबसे पहले हमने एसपी निकालना है पूल स्टैंडर्ड एस पी हम कैसे निकालते हैं ना गो टू डेटा डेटा देन एनालिसिस हेर इज द कोवेरियंस कोवेरियंस स्ट्रक्चर हमने देखना है दिस इज द कोवेरियंस एंड गो टू दी ओके अब कोवेरियंस हमारे पास आ गया वो कह रहे हैं यहाँ पे इनपुट रेंज इनपुट रेंज दे दें तो हमने यहाँ पे एस वन पहले हमने रियल की कोवेरियंसिस देखनी है तो so, हंड्रेड हमारे पास कितनी है एस वन टोटल हमारे पास है जी हंड्रेड वैल्यूज वन ओ वन पे हम यहाँ पे आ जाएंगे ओके okay? मैं ऐसे कह रही हूँ लेबल भी कर दो मुझे फर्स्ट को और फर्दर उसको मैंने क्या कहा है कि मुझे इसका रिजल्ट ना न्यू वर्कशीट पे देना है इस पे तो मैं काम कर रही हूँ ना मुझे न्यू वर्कशीट पे इसके कोवेरियंसेस डिटरमिन करते हैं ओके देन गो टू दी ओके दिस इज न्यू वर्कशीट अब ये देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं दिस इज शीट वन यहाँ पे मेरे पास ये आ गए हैं कोवेरियंस और हेयर इज मीन तो मैं यहाँ से ये यह कोवेरियंस की वैल्यूज जो हैं वो पिक कर लूंगी ना कॉपी एंड गो टू द डेटा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ ओके अब पेस्ट करते हुए जरा मैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखू कि ये सिक्स बाय सिक्स का मुझे चाहिए सिक्स बाई सिक्स हाईलाइट हो गया अब मैं यहां पर पे पेस्ट कर रही हूं पेस्ट एज इट इज नहीं क्योंकि फॉर्मूला में पेस्ट वैल्यूज कर रही हूं मुझे यहां पर वो वैल्यूज को पेस्ट कर दे अब ये आपके पास क्या है दिस इज दी लेंथ लेंथ देन लेफ्ट देन राइट बॉटम टॉप एंड लास्ट इज द डायगनल आप सेम यही चीज मैं यहां पर भी ले लेती हूं लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड डायगनल ओके द ये हमारे पास क्या है इसको मैं कर रही हूँ दिस इज दी एस वन दिस इज देरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स एस वन एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ये यह कॉपी कर लेती हूँ बार बार लिखने से बेटर है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी एंड द कंट्रोल वी और सेम यही मैं वैल्यूज यहाँ पे ले रही हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी क्योंकि अब यहाँ पे मुझे एस वन नहीं एस टू चाहिए सेकेंड अब अगेन गो टू द डेटा डेटा एनालिसिस को अब इनपुट रेंज कौन सी होगी इनपुट रेंज होगी अब फेक की रियल की तो हमने वेरियंस को वेरियंस ले ली अब नेक्स्ट मुझे इनपुट in, रेंज देनी है फेक की वन ओ वन से हमारे पास आ जाएगी यहाँ से जी ये रियल है और ये मेरे पास फेक आ गई टू से ऑन वर्ड टू ओ वन तक फेक नोट की आ गई फर्स्ट वो मुझे लेबल भी कर दे एंड वो मुझे न्यू वर्कशीट पे इसको पेस्ट कर दे दिस इज दीट टू शीट टू में मेरे पास ये वैल्यूज आ गई है मैं इनको हाईलाइट देन कॉपी एंड गो टू द डेटा वैल्यूज यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करी राइट क्लिक अब यू नो दर दायग्नल में आपको पता है वेरियंसेस होते हैं एंड ऑफ डायगनल हमारे पास को वेरियंसिस हैं सो हेयर इज दू डायनल वेरियंसेज एंड ऑफ डायग्नल को वेरियंसेस अब ये जो मेरे पास अपर डायग्नल है ना मुझे इसको भी फिल करना है क्योंकि मेरे पास वैल्यू सारी होनी चाहिए अपर डायगनल को भी फिल करना है यहां पे मैं क्या कर रही हूँ इसको हाईलाइट यू नो दैट कि मैंने यहाँ पे क्या करना है इक्वल टू ट्रांसपोज बिकॉज मैं अब एक एक वैल्यू यहां से देख के लिखूं वो कह रहे देन अरे इसको मैंने हाईलाइट कर लिया देन शिफ्ट कंट्रोल एंटर ओके आपके पास क्या हो गया ये ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया सिमिलरली यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए इक्वल टू ट्रांसपोज देन अरे ब्रैकेट क्लोज शेफ कंट्रोल एंटर अगेन इक्वल टू ट्रांसपोज अरे रैकेट क्लोज शेफ कंट्रोल एंटर क्वल टू ट्रांसपोज अरेस्ट वैल्यूज दस वन कंप्लीट हो गया सिमिलरली मुझे अब एस टू भी कंप्लीट करना है हाईलाइट इक्वल टू ट्रांसपोज अरे Bracket close Shift Control Enter Similarly Next Because Variance Covariance Matrix मुझे complete करना है Complete करने के लिए मुझे इसकी values पूरी चाहिए Equal to Transpose Then This सेकेंड लास्ट इक्वल टू ट्रांसपोर्ट एंड द लास्ट वाली पेस्ट कर लेती हूं सो एस वन एस टू मेरे पास कंप्लीट हो गया ठीक है अब मुझे चाहिए एस पी एस पी का आपके पास अब फॉर्मूला क्या था अगर हम फॉर्मूला देखें एस पी का सो एस पी विच इज इक्वल टू दी एन वन माइनस वन एस वन प्लस एन टू माइनस वन एस टू मेरे पास एस वन भी आ गया है देन एस टू भी आया अब मुझे क्या करना है एन वन माइनस वन कितने नोट थे हमारे पास टोटल अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ क्योंकि एन वन एन टू मेरे पास सेम है तो टोटल मेरे पास कॉमन आ गया हंड्रेड माइनस वन मीन्स नाइन्टी नाइन के साथ में एस वन प्लस एस टू को मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड करना है मैंने एन वन हंड्रेड प्लस हंड्रेड माइनस टू यानी हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड माइनस टू वन नाइनटी एट के साथ मुझे इसे डिवाइड करना है सो so, हेयर अब आपके पास क्या होगा एस पी भी एस पी मैंने निकालना है दिस इज दी यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ मैं इसको हाईलाइट कर लिया सिक्स क्रॉस सिक्स मुझे चाहिए सो इक्वल्स टू प्लस किया मैंने फर्स्ट आपके पास आ गई है दिस इज दस वन प्लस दिस इज दस टू ओके ब्रैकेट अब एन वन माइनस वन कॉमन ले लू मैं एन वन माइनस वन हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड माइनस वन मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा नाइन्टी नाइन से और हम इसको डिवाइड कर देंगे 198 से ठीक है मल्टीप्लाई हो गया नाइन्टी नाइन एंड डिवाइडेड बाय वन नाइन्टी एट सो एंटर दिस इज द एस पी एंटर शिफ्ट कंट्रोल एंटर किया मैंने दिस इज वैल्यू ऑफ द एस पी एस पी की मेरे पास वैल्यू आ गई है सो लुक एट दिस दिस इज दैल्यू ऑफ एस पी एस पी की वैल्यू आ गई अब फर्दर क्या चाहिए मुझे एस पी इन भी फाइंड करना है सो होटलिंग टी स्क्स है एस पी इन अब मुझे उसका एस पी इन लेना है देन मैंने करना है एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू मीन मीन ऑफ रियल माइनस मीन ऑफ फेक सो एस पी इन वर्स मैं यहीं पर ले रही हूं एस पी एंड द्रैकेट इन वर्ड्स तो ब्रैकेट क्लोज अब इनवर्स हम कैसे निकालते हैं ओके सिक्स क्रॉस सिक्स पहले हाईलाइट कर लिया थ्री एंड दीज आर दिक्स क्रॉस सिक्स इनवर्स कैसे हैं इक्वल्स टू मेट्रिक इनवर्स दिस इज दिन किसका इनवर्स लेना है मुझे इन वैल्यूज का इनवर्स लेना नाउ ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर दिस इज दी एस पी इनवर्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है आप देख लो इनवर्स में क्या है डायगनल में मेरे पास वेरियंसिस हैं सारे पॉजिटिव हैं ऑफ डायगनल को वेरियंसिस हैं तो so, ऑफ डायगनल आप देख लो को वेरियंसिस रिजल्ट तो बिल्कुल तैयार है ओके एस पी भी आ गया अब मुझे क्या लेना है मीन मीन ऑफ एक्स वन एंड मीन ऑफ एक्स टू अब मैं यहां पे ले लेती हूं यहाँ कर लेती हूं मीन जिसे मैं कह रही हूं मीन ऑफ रियल मीन ऑफ रियल या एम ऑफ रियल कह दिया मैंने इसको ठीक है एंड एम ऑफ पेक पहले मैं मीन ऑफ रियल ले लू इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते क्वल टू मीन के लिए क्या है एवरेज एवरेज अब रिकॉल करो हमने किसकी एवरेज लेनी है डेटा कहाँ पे है बी से लेके मेरे पास टोटल ए जी तक वेरिएबल है सो बी टू कॉलन कहाँ तक बी वन ओ वन वहां तक मेरे पास एवरेज कर दे जस्ट रियल की देखो उसे हाईलाइट कर लिया हाईलाइट हो गया कहाँ तक हाईलाइट हो गया वन ओ वन तक हाईलाइट लाइट हो गया कि इसकी वो मुझे एवरेज डिटार्मिन कर दे सो एंटर अब एंटर करने के बाद मैं इसको कहाँ तक ड्रैग कर लू सिक्स क्रॉस सिक्स मुझे चाहिए या मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर लेती तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाना था इसे मैं ड्रैग कर रही हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स सो दिस इज मीन वैल्यू मीन आ गया अब ये मेरे पास किसका लिया था बी टू से वन ओ वन तक नेक्स्ट ये क्या है सी टू से वन ओ वन तक सी वन ओ वन तक ये मीन किसका आया डी टू टू डी वन ओ वन तक ठीक है मीन ऑफ रियल आ गया देन मीन ऑफ फेक अब मेरे पास क्या है वन ओ वन के बाद मेरे पास फेक है ना सो इक्वल्स टू एवरेज कहां से लेना है मुझे बी वन ओ टू से बी टू ओ वन तक एक दफा हम देख भी लें उसने हाईलाइट कर लिया वन ओ टू से टू ओ वन तक तो look at this, ये रियल के बाद वन ओ टू से हम कहाँ गए टू ओ वन तक इसकी मुझे एवरेज डिटर्मिन करते एंटर एंटर करने के बाद मुझे इससे मैं ड्रैग कर रही हूं कि मुझे मीन की वैल्यूज डिटरमिन हो जाएं दीज आर दी वैल्यूज ऑफ मीन ऑफ फेक अब स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला आपने देखा है x पार वन माइनस x पार टू देन ट्रांसपोज पहले मुझे क्या करना है इसको ट्रांसपोज लेना है रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है ताकि मैं उसका डिफरेंस ले लूँ सो so, मैं इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पे मैंने क्या किया इक्वल्स टू ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज मुझे इन वैल्यूज का वो दे दे देन ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट कंट्रोल एंटर आपके पास ट्रांसपोर्ज हो गया दिस इज दी एंड हियर इज दी एक्स टू अगेन सिक्स हाईलाइट किए इक्वल्स टू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इन वैल्यूज का शिफ्ट कंट्रोल एंटर लुक दिस दिस इज़ ट्रांसपोज एक्स वन एंड एक्स पार टू की वैल्यूज डिटर्मिन होंगे नाउ हियर इज द डिफरेंस एक्स वन माइनस एक्स टू हमने उसका डिफरेंस लेना है विच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस वाल्यू सो एंटर एंड ड्रैक दिज वाल्यूज दिस इज द डिफरेंस डिफरेंस आ गया हमारे पास नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है जी मैं इसको चेक कर लूँ डिफरेंस पी एंड क्यू का दैन डि दिस डिफरेंस पी क्यू एंड दिस दिस इज दीन डिफरेंस आ गई अब एक्स पार वन माइनस एक्स बार टू भी मेरे पास आ गया अब फर्दर मुझे क्या करना है आपके पास फार्मूला आ जाता है फॉर्मूले में मेरे पास क्या है मीन वन माइनस म्यू टू ये वाला फैक्टर आ गया ना एस पी के बाद वाला दिस फैक्टर ये फैक्टर हमने डिटरमिन कर लिया एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू डिटरमिन हो गया एस पी ये भी डिटरमिन है अब मुझे पहले ट्रांसपोज लेना है एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू का वो भी बेसिकली मैंने ले लिया है आपके सामने है कि मैंने उसका ट्रांसपोज भी लिया हुआ है सो तो वन अब मैं जो इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू ट्रांसपोज एस पी के साथ आपके पास क्या वैल्यू आएगी हम यहाँ पे जरा एक मिनट चेक कर लें एक्स पार वन माइनस एक्स पार दिस आपके पास ये ऑर्डर कितना है इसका डिफरेंस आपके पास आ रहा था वन कॉलम में ना आपके पास टोटल सिक्स इन वन का ही आया और ये आपके पास एस पी कितना है 6 into 6 का है। तो फर्दर हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट का ट्रांसपोज के बाद और यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू ये तो आपके पास ट्रांसपोज है ना ट्रांसपोज सॉरी ये होगा आपके पास वन इंटू सिक्स वन इंटू सिक्स तो हमारे पास वन इंटू सिक्स का ऑर्डर आएगा मीन्स वन रो सिक्स कॉलम ठीक है और ये आपके पास कौन सा पार वन माइनस पार टू ये आपके पास है सिक्स इंटू वन का तो यहाँ से आपके पास वन इंटू सिक्स वन इंटू वन तो फाइनल आपके पास रिजल्ट क्या आ गया एक टी की वैल्यू आएगी टी स्क् की वैल्यू वन इंटू वन की सो वी हैव वन इंटू सिक्स सो इक्वल्स टू मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन है ना हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाई टू है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किसमें हमने उसका लेना है ट्रांसपोज ट्रांसपोज किसका लेंगे हम इसका ट्रांसपोज डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है पर वन माइनस पर टू का ट्रांसपोज ब्रैकेट क्लोज एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे लुक एट दिस दिस इज दरे वन कॉमा अरे टू कॉमा अरे टू किस में एस पी इनवर्स दिस इज दस पी इनवर्स शिफ्ट एंटर किया हमने यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट uh, क्लोज किया देन हम कर रहे हैं शिफ्ट कंट्रोल एंटर सो दिस इज दी हमारे पास वो पार्ट आ गया है एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू ट्रांसपोज इन टू एस पी उसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई वन क्रॉस सिक्स अब फाइनल क्या मैंने हमने करना है दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्स पार वन माइनस एक्स पार टू तो टू अब क्योंकि हमारे पास सिंगल वैल्यू आनी है मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रही इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जिसको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सॉरी लेके जा रही हूं इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन this value, comma, multiply by this, bracket close, and then enter. So we have the value of 48.815021 और ये किसकी value aayi hai अभी t square के अंदर की part की आई है। इसके साथ हमारे पास जो constant value है, वो अभी multiply होना है। So ये आपके पास इस portion की value आ गई है। मल्टीप्लाई किससे होने एन वन एन टू डिड बाई एन वन प्लस एन टू सो हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल टू टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड सो इक्वल्स टू टेन थाउजेंड हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ही कर लेते हैं हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू एंड होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज कर लेती हूँ अब ब्रैकेट क्लोज के बगैर भी हो जाता है वैसे होल डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड एंड एंटर सो दिस इज दैल्यू ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी पॉइंट सेवन फाइव वन दिस दिस इज दैल्यू ऑफ टी स्र टी स्केयर की वैल्यू आ गई सो टी की वैल्यू क्या आ गई टी स्केयर की वैल्यू टू फोर फोर जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन वन स्टूडेंट वी हैव डिवेल्प द वैल्यू ऑफ द दी स्केर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन समथिंग अब ये टी की वैल्यू हम अपने एफ में एफ के आपके पास फार्मूला है साइज टू के लिए डिफरेंस बिटवीन टू के लिए वो उसमें हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अप्रॉक्सीमेट हमारे पास एफ की वैल्यू आती है थ्री नाइन्टी वन और 391 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू से टेबल वैल्यू से तो वो आपके पास कैलकुलेटेड एप विच इज ग्रेटर दैन दी क्रिटिकल वैल्यू है सो अंडर दिस सोनरियो सो वी कैन दैट सो वी द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन दी क्रिटिकल वैल्यू सो वी डू नॉट रिजेक्ट नाल लाइपोथिस एट टेन परसेंट और फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सो वी कैन से दैट दी जो आपके पास रियल नोट्स एंड द फेक नोट के बिटवीन जब हम नाल हाइपोथिस कह रहे थे देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड दाल हाईपोथिस सो वी रिजेक्ट दिस वी वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द फेक नोट ठीक है हमारे पास हमने इस पूरी एग्जाम्पल से क्या डिटर्मिन कर दिया कि हमारे पास रियल नोट एंड फेक नोट के बिटवीन डिफरेंस है हम उसे इक्वल नहीं कह सकते देअर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियल नोट एंड द फेक नोट So this is the conclusion of this example.